आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहां संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। साथियों, यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का एक आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर हम कक्षा 9वीं के कुछ विद्यार्थी आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान तथा उसके तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक लेकर उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं संविधान हूँ। क्या आप और आप संविधान के बारे में नहीं जानते? नहीं जानते। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे संविधान के बारे में। पहले हम अपने पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं एक दिव्यांग व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति का दृश्य। अबे तू देख के नहीं चल सकते क्या? भैया आप ही तो देख के चल सकते हैं। अबे तू तो लंगड़ा है। तो क्या हुआ? क्यों हमें इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? हमें समानता का अधिकार नहीं है? क्या हम भी एक देश के नागरिक हैं? सिर्फ आप जैसे आदमियों के चलते आज हमारे देश में एकता नहीं बन पा रहा है। छी, कैसे खराब सोच है आपके। तो हमने अपने पहले मौलिक अधिकार को देखा जो है समता या समानता का अधिकार। यह अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। जाति, लिंग, स्थान तथा वर्ण आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। एक दिव्यांग व्यक्ति के भी अधिकार और एक सामान्य व्यक्ति के भी अधिकार एक ही होंगे। अब हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार को देखेंगे, एक पिता पुत्री और एक बेटे का दृश्य। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात, बोलो क्या हुआ? पिताजी, हमारे विद्यालय की तरफ से स्कूल ट्रिप पे ले जाया जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ गोवा? कहाँ कहाँ गोवा? हाँ पिताजी। देखत बड़ा विनोद, अभी गोवा जी है। पिताजी प्लीज। आई हो दादा, आजकल के बेटी गोवा जी में जी हाँ, इतना दूर यह दिन देखेला लग रहे। नहीं नहीं जाना है गोवा। पिताजी प्लीज, सब लोग जा रहे हैं। नहीं, मैंने बुलाना नहीं जाना है गोवा। बाहर जाने का अधिकार सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों का नहीं। कहाँ लगो बाबू जी? अरे खुश रहो बेटा, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। ठीक है ना? अच्छा मजे की है? हाँ बहुत सारा मजे की है। तुम ही तो मेरा नाज हो बेटा। तो अब क्या हो रहा है अभी? हमको भी गोवा जाना है। अरे तो बोलो ना, कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। बस 20,000 में हो जाएगा? हाँ। अरे लोन एटीएम कार्ड दे ले। जाने दीजिए, यह तो आपका नाम रोशन करेगा। अरे एटीएम कार्ड मिल गया, आप तो बहुत सारा मजा करेंगे। जी आपने भैया को तो जाने दिया, परंतु मुझे क्यों नहीं जाने दिया? खबरदार, अगर इस बार में आगे एक भी शब्द बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तो हमने अपने दूसरे मौलिक अधिकार को देखा,
स्वतंत्रता का अधिकार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक लड़का या लड़की हैं, हमारे पास समान अधिकार और समान अवसर है। स्वतंत्रता हम सभी नागरिकों का अधिकार है। अब हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार को जानेंगे, एक नौकर और एक मालिक का दृश्य। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। क्या कर रहा है रे? सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं? का तुम्हारा आँख में का कुछ हो गया है? का उन्हें उधर गंदा है, इधर गंदा है, उधर गंदा है, का सफाई कर रहा है? सफाई ही ना कर रहे हैं तो। फिर सला सामने झूठ बोलता है, सामने झूठ बोलता है, डर नहीं लगता है का मुझसे? अरे अरे लड़ो मत, तुम दोनों रुको। क्यों, तुम कौन हो? मैं भारत की संविधान हूँ। तो क्या मैं क्या करूँ, तुम्हारा चेहरा देखूँ? चेहरा मत देखो, परंतु तुम किसी के ऊपर अपना ऐसे अधिकार नहीं दिखा सकते। सबके पास अपना अधिकार है। क्यों, इसका घर का रोजी रोटी, यहाँ तक कि इसके घर के सब बच्चे और इसे दो दो रोज की रोटी मेरे चलते चलती है। तुम पर सारा हक मेरा बनता है, मैं चाहे इस पर कुछ भी करूँ। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगा। क्या जेल हो जाएगा? हाँ जेल हो जाएगा। सॉरी सॉरी। तो हमने अपने अगले मौलिक अधिकार को देखा, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेकार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के निषेध से भी है। तो चलिए हम अपने अगले मौलिक अधिकार को देखते हैं। यह एक धार्मिक स्थल का दृश्य है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो का मतलब? मेरा जगह यहाँ पे पूजा कर रहा है। यहाँ मेरे धर्म का पूजा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ मस्जिद है। है यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म क्या है? ये हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे देश हम पर आकर के हमला कर देंगे और हम कुछ नहीं करने पाएंगे। चलो हाथ मिला दोनों। तो इस प्रकार हमने अपने अगले मौलिक अधिकार को देखा, जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह भारतीय राजनीति की धर्म निरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार है। तो चलिए हम अपने अगले मौलिक अधिकार की ओर बढ़ते हैं। यह एक कॉलेज का दृश्य है। आज का दिन तो बहुत अच्छा था ना? बहुत बहुत ही ज्यादा। देखो ना कौन आ रहा है। अरे ये तो वो ऑटो वाली रिक्शा वाली की बेटी है ये। ओ, इसका आउटफिट तो देखो कितना गंदा है ना। छी, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना कि ये स्कूल रिच लोग का है, इसमें केवल रिच के बच्चे पढ़ते हैं। और हम यहाँ पे अमीर है, हमारे पैसे हैं हमारे पास, इसके वजह से यहाँ पे हम ही लोग पढ़ सकते। तुम जैसे लोग यहाँ पे, तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? मेरे क्या हुआ अगर मेरे पापा ऑटो ही चलाते हैं तो? तुम किसी को पैसों से तोलते हो क्या? किसी का दिल देखा करो, कभी भी किसी के पैसे पे नहीं जाया करो। किसके क्या स्थिति है तुम कभी नहीं जान सकोगे। ये सही कह रही है, आज से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो हमने अपने अगले मौलिक अधिकार को देखा, जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सुनिश्चित करते हैं। अब हम अपने अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं, जो है एक रोड का दृश्य, जहां एक एसपी की बेटी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए जाती है। अरे अरे रुकिए रुकिए,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ? मैम अभी ट्रैफिक लाइट ऑन नहीं हुआ है, अब अभी नहीं जा सकती हैं। मुझे जाने दो। नहीं मैम अभी आप नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ने दूंगी। क्या तुम नहीं जानती मैं एक एसपी की बेटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैम अब क्या कर सकती हूँ, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं आपको अभी ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने दूंगी। मुझे जाने दो वरना ठीक नहीं होगा। आप नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो हमने अपने छठे मौलिक अधिकार को देखा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो हमारा पहला अधिकार है समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह सरकार में रोजगार के समान अवसरों को सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में उपाधियों के साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी। इनमें से कुछ अधिकार राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता और विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की कुछ शर्तों के अधीन है। इसका मतलब यह है कि राज्य को उन पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इस अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेकार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के निषेध से भी है। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से रोकता है। चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यह भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। विवेक, पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है। पांचवा अधिकार सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उन्हें उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार ना तो किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और ना ही किसी के अधिकारों पर अंकुश लगा सकती है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
तो यह थी आज के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।